हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक यूनिवर्सल यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ सेक्रेट हिडन फीचर्स ऑफ यूट्यूब के बारे में। तो आप कई लोगों के पास, सबके पास ऑलमोस्ट आजकल एंड्रॉयड फ़ोन होते हैं, लेकिन उनके अंदर क्या सेटिंग्स हैं ये जानने का किसी के पास टाइम नहीं होता है। तो मोटी मोटी अगर आपको मैं ये जानकारी दे दूँ तो आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी और इससे आपका जो डिवाइस है, डिवाइस की ज़्यादा प्रोटेक्शन होगी। इसलिए आपको मैं पहली सेटिंग बता देती हूँ। पहली सेटिंग है कि कई लोग क्या होता है कि डाउनलोड करते हैं, अपनी मूवी देखना चाहते हैं फ़ोन पे और टैबलेट पे, और उनकी जो क्वालिटी है सही नहीं आती है। तो क्वालिटी सही करने के लिए, फ़ोन की जो पिक्चर है उसकी क्वालिटी की सही करने के लिए आपको जो है सबसे पहले सेटिंग में जाना पड़ेगा। उसमें सेटिंग में जाने के बाद वहाँ पर जो है डाउनलोड का एक ऑप्शन होगा, डाउनलोड पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको वीडियो क्वालिटी पर क्लिक करना है। वीडियो क्वालिटी पर क्लिक करने के बाद आपको HD 720 आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद क्या होगा कि आपकी जो वीडियो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी आने लग जाएगी, ठीक है। एक दूसरी सेटिंग में आपको बता देती हूँ कि कई बार क्या होता है कि आपके जो आप कुछ देख रहे हैं, आपके जो डिस्प्ले पे है काफ़ी सारे वीडियोज़ आने शुरू हो जाती है, काफ़ी सारे ऐड आने शुरू हो जाते हैं। अगर आप उन वीडियोज़ को नहीं देखना चाहते हो तो इसके लिए आप वीडियो के राइट साइड में तीन डॉट दिए रहते हैं, उन तीन डॉट पे आप जो है क्लिक करके उसमें एक ऑप्शन आएगा नॉट इंटरेस्टेड पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके डिवाइस पे वो वीडियो दोबारा आएगी नहीं। और अगर आप वॉच लेटर में उसको क्लिक कर देते हैं, सेलेक्ट कर देते हैं, तो आपके पास जब भी फ्री टाइम हो तो आप उस वीडियो को आप देख सकते हैं, ठीक है। आपको मैं एक और सेटिंग बता देती हूँ कि कई बार क्या होता है कि बेकार की वीडियोस हमारे चैनल पे आ जाती है, या फिर हम जो कई बार वीडियोस देख रहे होते हैं तो बेकार की वीडियोस या एडवर्टाइजमेंट या कई सारी वीडियोस हमारे डिस्प्ले पे आ जाती है। तो उन वीडियोस को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, उन एडवर्टाइजमेंट और वीडियोस को हटाने के लिए सबसे पहले आपको जो है सेटिंग पे जाना पड़ेगा। सेटिंग में जाने के बाद आपको जनरल पे क्लिक करना पड़ेगा। जनरल पे क्लिक करने के बाद आपको जो है रिस्ट्रिक्शन मोड ऑन करना पड़ेगा। और रिस्ट्रिक्शन मोड आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, क्योंकि आजकल के बच्चे क्या करते हैं, पेरेंट्स जो है उनको खुद फ़ोन दे देते हैं और वो फ़ोन पर लगे रहते हैं, और बीच बीच में जो एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं बेकार के, या कोई वीडियोज़ बेकार का आ जाता है जो छोटे माइनर से बच्चों के लिए जो अच्छा नहीं है वो भी वो देख लेते हैं। तो इसलिए रिस्ट्रिक्शन ऑन करना बहुत ही ज़रूरी है। एक और सेटिंग मैं आपको बता देती हूँ कि वीडियो क्वालिटी बढ़ाने के लिए तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि आपको जो है 720 पिक्सल पे रखना है, उससे आपकी जो है क्वालिटी बढ़ जाएगी। सपोज़ आप वीडियो को ना आगे और पीछे करना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि इसके लिए आपको प्लेबैक की स्पीड में जाना पड़ेगा। इसके लिए आपको जो वीडियो आप ओपन करिए आप जो भी आप देखना चाहते हैं उसके राइट साइड में आपके तीन डॉट्स दिए होंगे, तीन डॉट्स पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद प्लेबैक स्पीड का ऑप्शन आएगा, प्लेबैक स्पीड पे आपको क्लिक करना है। नॉर्मल, स्लो, जैसे भी आप उसमें सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मल की जो ऊपर जो रेंज आएगी उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाएगा, नॉर्मल की जो बाहर नीचे जो रेंज आएगी उसमें काफ़ी फास्ट आ जाएगा। ऐसा हम अपनी वीडियो में भी कर सकते हैं कि कई बार हमें लगता है कि भाई हम तो बहुत फास्ट बोल रहे हैं, और कभी हमें लगता है बहुत स्लो बोल रहे हैं, और हम इसको मतलब फिट करना चाह रहे हैं एक रेंज में। तो आप इसमें जो है आप थ्री डॉट्स पे क्लिक करके उस वीडियो के और प्लेबैक स्पीड में जाके नॉर्मल, स्लो या फास्ट जैसे भी आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। एक और सेटिंग मैं आपको बता देती हूँ। कई बार क्या होता है कि भाई सब लोग आजकल प्राइवेसी चाहते हैं और कोई नहीं चाहता कि हमारी हिस्ट्री कोई चेक करे, तो अगर आपकी जो हिस्ट्री है आप उसको किसी को शो नहीं करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आप एक सेटिंग कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा। सेटिंग में जाने के बाद आपको हिस्ट्री एंड प्राइवेसी के ऑप्शन में जाना पड़ेगा, उस पर क्लिक करना पड़ेगा। उस पर क्लिक करने के बाद आपको जो है वॉच और सर्च हिस्ट्री दो ऑप्शन आएंगे, उन दोनों को आपको जो है क्लियर कर देना है। दोनों को क्लियर करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा पॉज का, पॉज वॉच जो है दोनों पॉज को आपको ऑन कर देना है। इससे क्या होगा आपकी हिस्ट्री कोई देख ही नहीं पाएगा। एक और सेटिंग मैं आपको बता देती हूँ, लास्ट सेटिंग जो है इसमें क्या होता है कि
आपने सपोज़ यूट्यूब में आप कोई वीडियो देख रहे हो, उसकी आपको सारी की सारी डिटेल चाहिए, कौन से इसने बनाई है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट इसने यूज़ किया है, तो आपको सारी डिटेल अगर आप देखना चाहते हो ना, जैसे कि मेरे पास अभी एक सस्ता सा फ़ोन है लावा का, तो आप मेरी वीडियो की भी क्वालिटी देखना चाहो तो आप देख सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सेटिंग पर जाना है, सेटिंग में जाने के बाद आपको जनरल पर क्लिक करना है, जनरल पर क्लिक करने के बाद आपको स्टार्ट फॉर नर्ड्स पे आपको इनेबल कर देना, ऑन कर देना है। तो ऑन करने के बाद आपको फिर दोबारा उसी वीडियो पे जाना है, ठीक है, जिस वीडियो पे आप देखना चाह रहे हो सारी डिटेल, उस पे आपको 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, ठीक है। अब आप 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद उसके यू कैन सी वीडियो डिटेल आएगा, उस पर आपको क्लिक करके आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, जब आप स्टार्ट फॉर नर्ड्स कर दोगे, उस पर सेलेक्ट ऑन कर दोगे, वो आपके पास उस वीडियो की सारी डिटेल आ जाएगी, ठीक है। लेकिन इसको आप हटा देना, क्योंकि ये सारी वीडियोस में फिर आता रहेगा और आपको वीडियोस जो है आपको क्लियर नहीं दिखाई देंगी। तो आई होप कि आपको सारी कुछ तो इम्पॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में पता चल ही चुका है। ऐसी वीडियोस मैं आगे भी लाती रहूँ, इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।